आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग इन दिनों महाराष्ट्र के देवगांव स्थित अमरावती में विराजमान है, जहां 5 जनवरी को देवगांव वालों को आचार्य संघ की भक्ति के साथ ही आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कड़ी तप साधना का ही पुण्य प्रताप है कि वह जहां भी होते हैं उनके भक्त गुरु दर्शन की अभिलाषा लिए चल देते हैं। परम पूज्य संतोषरमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंद्राय अक्षत प्राप्त अक्षतमी स्वाहा। कुछ ऐसे ही दृश्य महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिल रहे हैं, जहां भक्तों को आचार्य श्री गुरुवर सत्संग का सानिध्य मिल रहा है। 5 जनवरी को देवगांव स्थित अमरावती के जैन समाज ने भक्ति पूर्वक गुरु पूजन किया। गुरु पूजन के क्रम में सर्वप्रथम देवली समाज ने आचार्य श्री के समक्ष श्री फल अर्पित किए। श्रीफल अर्पित करने के बाद भक्तों ने शुभ तत्व अर्पित करते हुए गुरुवर के समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। ओम परम पूज्य संतोषरमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंद्राय अक्षत प्राप्त अक्षतमी स्वाहा। अमरावती में विराजमान गुरुवर ने राजनीतिज्ञों को नैतिकता के साथ काम करने की सलाह दी। इसको गोधाम में थोड़ा सा और रख दो तो खरीदेंगे और रखते है और टैक्स भी लेते हैं, ज्यादा दोनों टैक्स ले लेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, उनको चाहिए प्रजा के हित में यदि नेतृत्व अपने हाथ में लिया है तो अवश्य ही उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी हम इसलिए कह रहे हैं, आज नेता लोग केवल व्यापार में लगे हुए हैं, जनता के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता का बहुमूल्य अभिमत वोट लिया है क्या नहीं, हाथ जोड़ जोड़ करके लिया। जैन फोकस के लिए अमरावती महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। की किरणों से यह हृदय कली भी खिल जावे।